हे गाइस अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एन अनदर व्लॉग। आज है रमदान डे 29। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैं कर रही हूँ इफ्तार प्रिपरेशन। तो आज मैं बना रही हूँ लेमन जूस। लेमन जूस को बनाने का तरीका सबका अलग अलग होता है, तो मैं बनाती हूँ इन सिंपल वे। मैंने लिया है पानी और इसमें मैं डाल रही हूँ लेमन जूस। लेमन के फ़ायदे तो बहुत है, हम सब जानते ही हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। It controls high blood pressure. It plays very important role in skin care, dental care, and also to fight against dandruff and lot more. इसके बेनिफिट्स बताने बैठ जाऊंगी तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ शुगर। जैसे मैंने बताया कि लेमन जूस को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। इसमें जिंजर भी डालते हैं। मैं जिंजर नहीं यूज़ करती क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद नहीं है। और इसमें मैं डालती हूँ थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि विदाउट सॉल्ट लेमन जूस का टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता है। तो सॉल्ट टेस्ट को एनहेंस करता है, तो इसलिए मैं डालती हूँ सॉल्ट। तो अब मैं इसको स्टेन कर रही हूँ ताकि लेमन के बीज सब निकल जाए। तो यहाँ पर है सब्जा सीड्स, इसको बेसिल सीड्स भी कहते हैं। इसको मैंने भिगोया था 10 मिनट पहले। तो भीगने के बाद इस तरह से फूल जाते हैं। तो अब मैं इसको डाल रही हूँ जूस में। इसके बेनिफिट भी अनगिनत है। एक्सेस फैट को रिमूव करने में हेल्प करता है, स्पेशली बेली फैट। एंड इट्स फुल ऑफ फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। स्किन में ग्लो लाता है, और अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो उसमें भी हेल्प करता है। तो इस तरह से इसके फ़ायदे और भी है। तो अब लेमन जूस रेडी हो चुका है। अब इसको मैं रख रही हूँ फ्रिज में। तो स्नैक्स में आज मैं बना रही हूँ चिकन पॉपकॉर्न। और मैंने लिया है चिकन, और चिकन को इस तरह से मैंने छोटे छोटे पीस कर लिया है। मैंने लिया है बोनलेस चिकन। मैंने डाल दिया है चिकन। चिकन पॉपकॉर्न के लिए चिकन को मैरिनेट करना पड़ता है, तो इसलिए अब मैं मैरिनेट कर रही हूँ। तो इसके बाद मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसमें मैं डालूँगी रेड चिली पाउडर। मैं यूज़ करती हूँ कश्मीरी रेड चिली पाउडर, क्योंकि ये तीखा नहीं होता और ये कलर भी बहुत अच्छा देता है, इसलिए। तो मैंने डाल दिया है सॉल्ट। चिकन पॉपकॉर्न तो बच्चों का फेवरेट होता है, बच्चे इसको आसानी से खाते हैं, कुछ नखरे नहीं करते हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ विनेगर। मैं डालूँगी 2 टीस्पून विनेगर। विनेगर से चिकन का स्मेल नहीं आता है चिकन में, और चिकन भी सॉफ्ट रहता है। तो अब मैंने डाल दिया है दूध, थोड़ा सा सोया सॉस। तो मैं डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। तो इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसको रख दूँगी मैरिनेशन के लिए फॉर 2 आवर्स। अगर इससे ज़्यादा भी अगर रख पाए तो अच्छी बात है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब इसको मैं रख रही हूँ रेफ्रिजरेटर में। तो जब तक ये मैरिनेट होता है तब तक मैं इसका कोटिंग भी बना लेती हूँ। तो मैंने लिया है बाउल और उसमें मैं डाल रही हूँ मैदा। अब डालूँगी कॉर्नफ्लोर। आज की पूरी वीडियो वॉइस ओवर होगी क्योंकि मुझे बहुत टायर्ड फील हो रहा था। मैंने सोचा कि वीडियो नहीं बनाऊँगी, फिर मैंने सोचा नहीं चलो बनाते हैं। तो मैंने जस्ट शूट कर लिया है वीडियो को और अब वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मैंने डाल दिया है सॉल्ट और रेड चिली पाउडर, और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। तो मैं बता रही थी कि आज मैं क्यों वॉइस ओवर दे रही हूँ, क्योंकि आज सहरी के बाद मैं आज सोई नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन है, शॉप्स सिर्फ 2-3 आवर के लिए ओपन रहते हैं। अगर सोती तो जल्दी उठ नहीं पाती और शॉप्स क्लोज़ हो जाते। तो इसलिए इंशाल्लाह अगर कल ईद हुई तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लाइक चिकन, कर्ड, मिल्क एंड ऑल। तो वही कुछ लाना था, तो इसलिए मैं जगी हुई थी। तो मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया है। ड्रिंक में आज मैं बना रही हूँ बादाम मिल्क शेक। तो उसके लिए मैंने दूध को गर्म करने के लिए रख दिया है और उसमें थोड़ी सी इलायची डाल दिया है फ्लेवर के लिए। यहाँ पर मैंने लिया है मिक्सर और उसमें मैंने डाल दिया है बादाम। अब मैं डाल रही हूँ थोड़े से पिस्ताचियो। अब इसमें डाल रही हूँ शुगर और थोड़ा सा मिल्क। इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी ताकि इसमें बादाम और पिस्ताचियो के पीसेस ना रहे। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया है, अच्छा सा फाइन पेस्ट हुआ है, ये देखिए। तो दूध गर्म होने के बाद में मैं इस पेस्ट को दूध में डाल दूँगी। तो यहाँ पर दूध अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने जो डाला हुआ था इलायची कार्डमम, इसको मैं निकाल दूँगी ताकि ये मुंह में ना मिले। हमें सिर्फ इसका फ्लेवर चाहिए था मिल्क में, अब वो आ चुका है तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको निकाल दूँगी। अब मैं ऐड कर रही हूँ बादाम और पिस्ताचियो का पेस्ट। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और 2-3 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ थोड़ा पकने के लिए। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि मैं दूध डाल रही हूँ, तो ये दूध नहीं है, ये पानी है जिसको मैंने मिक्सी को धो के निकाला था, जिसमें मैंने पेस्ट बनाया हुआ था। तो अब 2 घंटे हो चुके हैं और अब मैं चलती हूँ चिकन पॉपकॉर्न बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चिकन पीसेस और मैं इसको कोट कर लूँगी। चिकन को 2 बार कोट करना पड़ता है चिकन पॉपकॉर्न के रेसिपी में, तो अब मैं वही कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मैं कोट कर दूँगी। इस तरह से मैंने चिकन को अच्छी तरह से कोट कर लिया है। तो अब मैंने लिया है यहाँ पर कोल्ड वाटर। इस कोट किए हुए चिकन पीसेस को अब मैं डाल रही हूँ कोल्ड वाटर में। इसी तरह से सब पीसेस को डाल दूंगी। अब मैं इसको पानी से निकाल रही हूँ और दोबारा से उसी में डाल रही हूँ, सेकंड कोटिंग कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है कोटिंग करने वाला। यहाँ पर मैंने कढ़ाई को रख दिया था तेल गरम होने के लिए। तेल गरम हो चुका है तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ चिकन पीसेस जो मैंने कोटिंग किया हुआ था सेकेंड टाइम। ये चिकन पॉपकॉर्न खाने में बहुत ही मज़े के बनते हैं और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है। इट्स जस्ट लाइक KFC चिकन। ये देखिए, लग रहे हैं ना KFC चिकन जैसे, बहुत मज़े के लग रहे हैं। तो इसी तरह से मैं सब पीसेस को फ्राई कर लेती हूँ। नाउ इट्स इफ्तार टाइम। मैं यहाँ पर कर रही हूँ इफ्तार। ये रहे बादाम ड्रिंक जिसको मैंने ऊपर से गार्निश किया हुआ है। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं इशा की नमाज और तरावी की नमाज। आज है रमज़ान का आखिरी तरावी। हम लोग साथ में मिलके सब लोग तरावी की नमाज, ईशा की नमाज, तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे, है ना। अब हम लोग मिस करेंगे तरावी की नमाज को। रमज़ान का महीना ख़त्म होने वाला है। आज है डे 29। तो अब हम कर रहे हैं डिनर। ये है मेरा डिनर। यहाँ पर है रोटी, दाल और प्रॉन्स फ्राई। तो उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। अंटिल टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।